इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग सीखेंगे, अगर आप बिलिंग आपके रेस्टोरेंट पे कर रहे हो और एट द सेम टाइम आप बैक ऑफिस पे किस तरीके से देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आपकी बिलिंग एप्लीकेशंस के अंदर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पे एक आइकॉन दिखाई दे रहा है सिंक, अगर ये रेड है तो ये आपका पूरा डेटा लोकल सिस्टम पे मैनेज हो रहा है, अगर ये सिंक है तो आपका डेटा आपके लोकल सिस्टम पे और आपके बैक ऑफिस पे भी मैनेज हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको अगर रेड कलर का सिंबल, रेड कलर का आइकॉन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपने ऑटो सिंक आपने ऐड नहीं किया है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले कहाँ जाना है, सेटिंग ऑप्शन में जाना है, ओपन सेटिंग, और यहाँ पे आपको क्या करना है, इनेबल करना है। तो ऑलरेडी मेरा ये ऑप्शंस क्या है, इनेबल है यहाँ पर। तो अब जैसे ही हम लोग यहाँ से बिलिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो कि हम लोग टेबल नंबर 3 के ऊपर बिलिंग करते हैं, ठीक है, दाल खिचड़ी, वेज पुलाव एंड चिकन बिरयानी, समथिंग लाइक दिस, और प्लेस द ऑर्डर, सेव, और हम लोग इसको किससे पेमेंट करते हैं, वी विल पे बाय फॉर एग्जाम्पल भीम पे, अप्लाई एंड पेड। तो अभी ये क्या हो गया, दिखाई दे रहा है आपको रेड का, अभी क्या हो गया, ग्रीन हो गया। अगेन वी विल डू वन बिलिंग, ठीक है। अब सेव करने के बाद में जैसे ही हम लोग पेड करते हैं तो ये ग्रीन सिंबल कुछ सेकंड के लिए क्या होगा, रेड हो जाएगा और ऑटोमेटिकली इमीडिएटली क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। देखो यहाँ पर रेड हो गया, अभी ग्रीन हो गया। तो इस हिसाब से आपका डेटा लोकल सिस्टम पे भी मैनेज हो रहा है और अगर आपको बैक ऑफिस पे यानी क्लाउड पे भी आपको डेटा मेंटेन करना है तो आपको ऑटो सिंक ऑन करना होता है। अब हम लोगों ने जो दो बिल यहाँ पे जनरेट किए हैं उसकी अमाउंट थी 260 262 और 382। ओके, और ये कैश में दिया था या भीम पे में दिया है। तो हम लोग चलते हैं बैक ऑफिस की ओर, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ से हम लोग सेल्स रिपोर्ट में जाकर चेक करते हैं। आपको बैक ऑफिस का यूज़र नेम और पासवर्ड हमारी ओर से प्रोवाइड किया जाता है जैसे ही आप लॉगिन करते हो, उसके बाद में आप सेल्स रिपोर्ट में जाकर चेक कर सकते हो कि आपका बिलिंग क्या हुआ है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 262 382 भीम पे और कैश। तो आप कहीं रिमोट लोकेशन पे बैठे हो और आपको सेल्स रिकॉर्ड चेक करना है, आपके आप मोबाइल पे भी चेक कर सकते हो, ठीक है, और आपके बैक ऑफिस पे भी चेक कर सकते हो। तो ये लिंक आप ओपन कर सकते हो आपके लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर मोबाइल ब्राउज़र पे भी ओपन कर सकते हो, या फिर हमारी ओर से आपको एक ओनर एप्लीकेशन दिया जाता है, उसके अंदर आप लॉगिन करके वहाँ पे आपके पूरे सेल्स रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपका डेटा पूरा ऑनलाइन देख सकते हो, आपका सेल्स रिकॉर्ड आप ऑनलाइन देख सकते हो। इस तरीके से आप देख सकते हो आपके रेस्टोरेंट में बिल कितने जनरेट हुए हैं, कितने टेबल्स लाइव है, करंट स्टेटस क्या है आपके रेस्टोरेंट का, कितने ऑर्डर्स आए हैं, ये सब कुछ आप घर बैठे रिमोट लोकेशन से भी देख सकते हो। तो उसके लिए आपको इनेबल करना होता है ऑटो सिंक ऑप्शंस। और अगर आपके रेस्टोरेंट के अंदर अगर इंटरनेट नहीं है तो वो पूरा डेटा लोकल सिस्टम पे मैनेज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लाइव ट्रैकिंग आपके रेस्टोरेंट की कर सकते हो। अब आप कहोगे अगर आपके रेस्टोरेंट के अंदर इंटरनेट नहीं है तो वो केस में क्या होगा, तो उस केस के अंदर आपका पूरा डेटा लोकल सिस्टम पे क्या हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। और जैसे ही आपके रेस्टोरेंट के अंदर इंटरनेट कनेक्शन आता है तो इमीडिएटली आपका जो भी लोकल सिस्टम पे डेटाबेस था, जो भी डेटा था, वो आपका सर्वर पे चला जाएगा, बैक ऑफिस पे चला जाएगा, जो हम लोग कहते हैं उसको HO पे चला जाएगा, हेड ऑफिस पे चला जाएगा। तो उसके लिए आपको बिलिंग करने के लिए मैंडेटरी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे इंटरनेट आ गया आपका डेटा सिंक हो जाएगा। आपको ये मैं रिपीटेडली बता रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको बिलिंग के लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से क्या होता है,
ऑटो सिंक और बिलिंग ऑप्शन विदाउट इंटरनेट के थ्रू भी आप TM Bill Atlantic POS के ऊपर कर सकते हो। थैंक यू।